चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया है, और वो कहां से 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तक, ठीक है। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अब यहां जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया, एक टास्क फोर्स बनाया गया था 2020 की बात है, और ये 4 सदस्यीय टास्क फोर्स था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वह की थी जया जेटली ने, ठीक है। और इस टास्क फोर्स का जो गठन किया था वो गठन किया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इनको क्या कार्य सौंपा गया था? तो कार्य यह सौंपा था कि एक तो जो विवाह की उम्र है उस विवाह उम्र की जांच कीजिए, नंबर एक, कि विवाह उम्र को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि जो विवाह उम्र है उस विवाह उम्र का संबंध स्वास्थ्य और सामाजिक सूचकांकों जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, माता और बच्चों की पोषण स्तर, ठीक है, इस पर कितना पड़ता है। मतलब अगर महिला की उम्र अगर बढ़ती है तो इससे महिला के स्वास्थ्य पर, उसके अलावा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और माता बच्चा, ये दोनों उनके पोषण स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये कार्य सौंपा गया था 4 सदस्यीय टास्क फोर्स जिसकी अध्यक्षता की थी जया जेटली ने, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात कही कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि महिला विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ा दें 18 से 21 वर्ष का, उसके मैंने पीछे का बैकग्राउंड आपको बता दिया। अब यहां पर यह है कि जया जेटली वाली जो 4 सदस्यीय टास्क फोर्स है उसने उन्हें क्या अनुशंसा दी और क्या रिकमेंडेशन दिया उसको देखो। आप पहली बात तो इस टास्क फोर्स ने यह बात कही कि हम जो भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो भी अनुशंसा दे रहे हैं, उसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण नहीं है, पहली बात ये, ठीक है। मतलब ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या इंडिया का, वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, तो मुख्य रूप से जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन है वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, और वो रिकमेंडेशन है जेंडर पैरिटी या लैंगिक समानता के लिए। तो एक बात तो दिमाग से हमें मिटा देनी है कि ये जो उम्र जो बढ़ाने की बात हो रही है महिलाओं की, मतलब तो एक तरह से आप सोचो कि महिला पुरुष दोनों के विवाह की उम्र एक होनी वाली बात हो रही है, 21 वर्ष करने की बात हो रही है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो दो है, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट और दूसरा जेंडर पैरिटी, ये दो चीज है। अब यहां पर एक बार हम ये देखते हैं कि जो विवाह संबंधी कानून अभी तक कौन कौन से कानून आए हैं, जरा उस पर देखो आप। एक में पता था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 है ना, जिसको हम बोलते हैं सम्मति आयु अधिनियम। अगर हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे बीएम मालावारी नाम अगर याद हो, ठीक है, तो द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 सम्मति आयु अधिनियम, उसमें ये डिसाइड किया गया था मतलब ब्रिटिश काल के दौरान कि विवाह करने की जो न्यूनतम आयु होगी लड़की की कितनी, 12 साल की, और लड़कों कितना, 18 साल, ठीक। उसके बाद एक आया शारदा अधिनियम 1929, इसमें यहां पर देख रहे हैं हम क्या कि 12 जो था उसको बढ़ाकर 10 साल, और उसमें 2 साल ऐड किया गया, 14 साल कर दिया गया, और लड़के में 18 वर्ष कर दिया गया। और शारदा ये जो नाम है ये राय साहेब हरविलास शारदा जो एमपी थे उनके नाम पर पड़ा था, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखना, आजादी के बाद जो अंतरिम सरकार थी मतलब अंतरिम भारत सरकार 1948, उसमें फिर 1 साल और ऐड किया गया और बढ़ाकर कर दिया गया 15 साल, ठीक। फिर 1978 ईस्वी में विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसमें फिर 3 साल ऐड किए गए और वो 18 साल, और लड़के के लिए 21 साल, और फिर 2006 ईस्वी में इसी को एक बदले में रूप में लाया गया, नाम है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक। इसको एक एक चीज को ध्यान से देखते जाओ, एक तो हिस्टोरिकली आपने चीजें देख ली कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है, दूसरा शारदा अधिनियम 1929, उसके बाद फिर 1948 में भारत सरकार ने, फिर 1978 में विवाह न्यूनतम आयु, और 2006 में एक है बाल विवाह निषेध अधिनियम प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये आप जरा एक हम ये देख लें कि अलग अलग धर्म में न्यूनतम विवाह संबंधी क्या नियम है, कानून है, उसको देखो जरा, क्योंकि सारे जो मामले हैं वो मामले हो जाते हैं पर्सनल लॉ से संबंधित, मामले हो जाते हैं पर्सनल लॉ से, उसमें दे रहा देखो। एक है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसका सेक्शन 5(3), और इसमें न्यूनतम आयु की अगर बात करें तो लड़कों के लिए कितना है, 21 वर्ष, लड़की के लिए 18 वर्ष, ठीक है। और ठीक यही समान व्यवस्था है किन के लिए, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सब में मतलब समान व्यवस्था, ठीक है, ठीक। इस सबसे अलग है कौन, इस्लाम। इस्लाम में विवाह की अगर आयु की बात करें तो उसमें यह है कि दोनों, ठीक है, लड़का और लड़की युवावस्था को अगर प्राप्त कर लेते हैं और उनके अगर शादी होती है तो उस शादी को क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा, वैलिड होगा, और वो युवावस्था की उम्र क्या होगी वहां पर, 15 वर्ष, ठीक है, क्लियर यहां पर, ठीक। अब ध्यान दो, इस्लाम में यहाँ जो शादी की उम्र तय करने की बात की गई है 15 वर्ष, वो मुख्य रूप से जो शरिया कानून है उसका कोडिफिकेशन किया गया, उसका संहिताकरण किया गया, मतलब ये कि जो शरियत है वो जो था उसी का यहाँ पर कोडिफिकेशन किया गया,
ठीक। अब जो आगे जो समस्या हो सकती है उस पर ध्यान देना। समस्या ये हो सकती है कि अगर मान ले कि जिसको अभी इन्होंने कैबिनेट ने अभी जिसका प्रस्ताव दिया है, तो ऑब्वियस है कि भविष्य में इसे लेकर कानून बनना ही बनना है। और अगर कानून बनता है तो फिर यहां पर एक समस्या आ सकती है, नया कानून विधिक मुद्दा बन सकता है। ठीक है, मतलब एक इशू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और वो कैसे होगा उसको देखना, पहले ध्यान देना, जो उसको एक एक टर्म्स को ध्यान से समझना। पहली बात यहां पर ये है कि अगर मैं प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात करूं, ये आपने देख लिया प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, अगर इसकी मैं बात करूं तो इस एक्ट का ऐसा कोई भी प्रोविजन या प्रावधान नहीं है जो स्पष्ट रूप से ये बात कहे कि इसके आने के बाद जो पहले से मौजूद जो पर्सनल लॉ है वो पर्सनल लॉ नल एंड वाइड हो जाते हैं, मतलब शून्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ध्यान देना मैं फिर जो बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, इसलिए कहा ना कि कल को एक इशू आप देखोगे ये इशू आ जाएगा, तो मैं यहां पर बोल रहा हूं इसलिए आएगा क्योंकि जो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है उसमें ये बात एकदम से, ऐसा कोई प्रोविजन लिखा ही नहीं उन्होंने कि इसके आने के बाद जो पर्सनल लॉ चल रहे हैं जो इसके साथ मेल नहीं खाते हो तो वो पर्सनल लॉ के वो कानून क्या हो जाएंगे, वहां पर वो उसको समाप्त कर देगा, ऐसा लिखा नहीं। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि अगर 16 वर्ष की लड़की का विवाह किया जाता है तो इस प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत वह विवाह क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा और यह बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस्लामिक कानून की बात करूं तो वहां पर इस विवाह को क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। कंट्राडिक्टरी हो गया, यह दोनों चीजें क्या हो रही है, या विरोधाभास हो रहा है। आपने कानून बनाया है, उस कानून में आप एक विवाह को क्या कर रहे हो कि वो अवैध है, लेकिन अगर पर्सनल लॉ की बात करो तो वहां पर क्या हो रहा है, वैध हो रहा है। चलो ठीक है, ये तो हो गया यहाँ विरोधाभास में। अब जरा हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या डिसीजन दिया है, ठीक है, और कुछ हाई कोर्ट है उन्होंने क्या डिसीजन दिया उस पर देखो। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा यहाँ मामला शायरा बानो बनाम भारत संघ, इसमें देखो क्या हमें पता है कि इसमें ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया था, सब हम ये सारी चीजें पता है सबको। ठीक, अब इसमें एक प्रश्न उठाइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट धार्मिक कानून को समाप्त कर सकती है, ये सवाल उठाता था तभी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ट्रिपल तलाक की बात करूं तो फिर ये क्या होगा, ये इस्लामिक पर्सनल लॉ होगा, और इस्लामिक पर्सनल लॉ का मतलब हो गया कि वो जो धर्म से संबंधित कानून है वह है वो, तो इसका मतलब है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज है इस चीज के लिए कि क्या वो धार्मिक कानून को समाप्त कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर ये कहना है कि ऐसे सभी पर्सनल लॉ जो मौजूद हैं देश में वो सब के सब संवैधानिक दायरे में आते हैं, हर एक, ठीक है, वो सब के सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा है उसके अंतर्गत आते हैं। क्यों, उसका ध्यान देना कि पर्सनल कानून जितने भी हैं वो सब के तभी सही माने जाएंगे अगर वह इन तीन चीजों को फुलफिल करता है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, नैतिकता और तीसरा स्वास्थ्य। ठीक है, ये बताओ मुझे कि इन तीनों का उल्लेख कहीं पर देखा है आप लोगों ने, इन तीनों का उल्लेख, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। जब भी हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं और उसमें यह बात जो लिखी होती है कि मैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता वगैरह, ये सब देखा है ना आपने, ये आजादी मिली भी ना हमें किसी भी धर्म को स्वीकार करने या किसी भी धर्म को स्वीकार ना करने, सारी चीजें, किसी भी धार्मिक आचरण को मानने या उससे इनकार करने, तो सारी चीजें पढ़ चुकी आपने। तो आप देखो उसमें क्या चीजें लिखी हुई है कि जो हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली हुई है वह अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वह असीमित नहीं है, उसकी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है, सीमाएं हैं कि हम जो भी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं जैसे पूजा करना, नमाज पढ़ना, जो भी चीजें करते हैं वो इन तीनों के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब ये कि पब्लिक ऑर्डर वो बना रहना चाहिए, जो मोरालिटी है वो बनी रहनी चाहिए, और हेल्थ ये बना रहना चाहिए, ये तीनों चीजें। तो अब जब यहां पर ये धार्मिक कानून की बात हो रही है और जब पर्सनल लॉ की बात हो रही है तो वहां पर क्या चीजें हो रही है, वहां पर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि ऐसा कोई भी पर्सनल लॉ जो इन तीनों का उल्लंघन करता हो या तीनों में से किसी एक का उल्लंघन करता हो वो क्या आएगा, उसको नल एंड वॉइड कर देंगे, उसको शून्य घोषित कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का खुद कहना है। इसका मतलब अगर कम उम्र में अगर महिलाओं का विवाह किया जाता है, जो कानून में तय उम्र है उससे कम में किया जाता है, तो ऑब्वियस है कि जो महिला है या लड़की है उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, उसके है ना, उसके शिक्षा पर असर पड़ेगा, उसके पोषण स्तर पर असर पड़ेगा वगैरह, ये चीज। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर देख लिया, दूसरा देखना ध्यान से, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया क्या, कि अगर पत्नी नाबालिग है, ध्यान दो, भले ही आपको पर्सनल लॉ सपोर्ट करता हो, अगर पत्नी नाबालिग है तो इस विवाह से या इस विवाह में अगर कोई संबंध बनते हैं तो वो जो संबंध है उसे रेप, बलात्कार की संज्ञा दी जाएगी।
ठीक है, ये मैरिटल रेप हो जाएगा एक तरीके से। ये बात कही है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो मैं इसलिए यहां पर कह रहा हूं क्योंकि जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी या हल्के हल्की चीजें आपको समझ में आने शुरू हो गई होंगी कि जो विरोध है उस विरोध का क्या क्या पक्ष हो सकता है, तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमें उस विरोध के पक्ष को देखना है। बात समझ रहे हो? ठीक है, ठीक। आगे देखो, अब कर्नाटक और गुजरात हाईकोर्ट के 2006 का मतलब 2006 विशेष कानून, अब फरवरी 2021 में पंजाब हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको ध्यान से देना। कर्नाटक और गुजरात हाईकोर्ट ने 2006 जो विशेष कानून है उसके संदर्भ में क्या बात कही है कि जब ये स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया तो जो पर्सनल कानून है वो पर्सनल कानून को ये क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, मतलब कोई भी पर्सनल कानून लागू नहीं होता है। और फरवरी 2021 इसी साल की बात बता रहा हूं, फरवरी 2021 में पंजाब हाईकोर्ट ने यह बात, अभी एक केस आया था उसमें यह था कि एक मुस्लिम जोड़ा था उसमें लड़की की उम्र थी 17 साल की और जो लड़का है उसकी उम्र थी 36 साल की। ठीक है, ठीक। अब यहां पर क्या हुआ कि अगर इस विवाह को देखें और सुप्रीम कोर्ट के अगर हम डिसीजन को देखें, यह विवाह क्या हो जाएगा? यह विवाह अवैध हो जाएगा, है ना। लेकिन पंजाब हाईकोर्ट ने इसमें क्या डिसीजन दिया? इन्होंने कहा कि नहीं नहीं विवाह सही है। क्यों? इसलिए विवाह सही है क्योंकि अगर इस्लामिक पर्सनल लॉ की हम बात करें तो वहां पर क्या है कि अगर युवावस्था को प्राप्त कर जाते हैं और उनके बीच अगर विवाह होता तो वह विवाह मान्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट टोटली अगेंस्ट है पर्सनल लॉ के, ठीक है। जबकि हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट में हमें यहां पर दिख रही है चीजें कि पंजाब हाईकोर्ट ने बात की कि चलो इस्लामिक पर्सनल लॉ है वो प्रिवेल करेगा, वो चीज आगे जाएगी। इसका क्या मतलब है वो मैं बता रहा हूं। मतलब ये है कि यहां जो यह डिसीजन दिया गया है, ध्यान देना, यह डिसीजन दिया गया है इस जोड़े के ऊपर, क्योंकि ये दोनों तैयार थे शादी करने के लिए, जबरदस्ती शादी नहीं कराई गई थी। ये बात समझ गए? तो अब एक सवाल यहां पर ये आता है कि मान लो, ध्यान देना, मान लो कि अगर इस तरह की शादियां पकड़ में आती है, जैसे हो ना पकड़ में आगे शादी, बाल विवाह वगैरह जो भी चीजें करती है, तो उसमें क्या होता है? तो बड़ा उसमें बड़ी अच्छी बात कही गई, ध्यान दो, कि अगर बाल विवाह जैसे मामले आते हैं तो वह विवाह इलीगल होता है, ध्यान देना, इलीगल होगा, वो वाइड नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, मतलब वो एकदम से खत्म नहीं होगा, उसको ये संज्ञा दे देते हैं कि वह इलीगल होगा, अवैध विवाह होगा। और उसमें भी एक कंडीशन है, क्या? कि जो माइनर है दोनों में, लड़का लड़की, तो ऑब्वियस लड़की माइनर होती है, ठीक है, अगर उसकी तरफ से या उसके परिवार की तरफ से कंप्लेन की जाती है तब उस पर सुनवाई होती है। इसका मतलब यह है कि ये जो प्रैक्टिसेस है चाइल्ड मैरिज वाला, इसमें सोसाइटी को ही आगे बढ़ के आना पड़ेगा, ठीक। तो इस्लाम पर्सनल लॉ और जो अभी हमारे यहां पर डिसीजन आए हैं और जो नया प्रस्ताव आया है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पे, तो उसमें आगे क्या हो सकता है वो मैंने आपको यहां पर एक झलक दिखा दी, ठीक है। अब जरा देखो कि न्यूनतम आयु के पक्ष में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उसको ध्यान देना कि बढ़नी चाहिए, है ना, जैसे 18 वर्ष है तो वो बढ़कर 21 वर्ष होनी चाहिए। देखना, चाहे अगर शादी करना बट उसकी फैमिली नहीं चाहती है तो देन तब कानून जो कहेगा वो होगा, कानून प्रिवेल करेगा, लॉ प्रिवेल करेगा हमेशा, ठीक है। देखो ये बात कही जा रही है कि अगर उम्र बढ़ जाती है तो बाल विवाह की प्रवृत्ति घटेगी, क्योंकि कानून बना दिया आपने, ठीक। और इस कानून की क्या अभी आवश्यकता है? तो लोग बोल रहे हैं अभी आवश्यकता है, क्यों? इसलिए क्योंकि अगर कोविड महामारी, अगर इसके हम प्रभाव को देखें तो प्रभाव तो पड़ा है यहां पर, इसमें तो दो राय नहीं है, प्रभाव पड़ा ना, आर्थिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अगर आर्थिक प्रभाव पड़ा है तो इसमें यह भी है, जो घर वाले हैं उन घर वालों की बचत कम हुई, आए तो छोड़ दो मैं की बात ही नहीं कर रहा हूं, बचत कम हुई, और इस घटती बचत का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ा है तो किसको उठाना पड़ा है? लड़कियों को। क्यों? सबसे पहले इनको वंचित होना पड़ा किससे? शिक्षा से। तो ऑब्वियस अगर घर वाले नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? विवाह, ठीक है। इसीलिए कोविड के इन दिनों में बाल विवाह के मामलों में तेजी आई है, इसीलिए ये बात जो कह रहे हैं कि नहीं आपने जो बढ़ाया वो सही किया है, तो एक तो ये कारण है। दूसरा, ठीक है, अगर परिपक्व अवस्था में, परिपक्व शारीरिक अवस्था में अगर विवाह होती है तो मृत्यु दर में कमी आएगी, दोनों के, माता के भी और शिशु के भी। और फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें ये है कि अगर स्वास्थ्य माता का सही रहा तो पोषण स्तर उच्च रहेगा दोनों का, माता का भी और शिशु का भी। तो कुल मिलाकर यहां पर यह है कि अगर न्यूनतम आयु के सकारात्मक पक्ष की बात हम करें तो उसमें यह बात कही गई है कि सामाजिक और आर्थिक संकेतकों पे हमारी स्थिति सुधर जाएगी। और संकेतक का मतलब यहां पर यह कि ओवरऑल शिक्षा में स्थिति सुधरेगी, रोजगार में स्थिति सुधरेगी, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आएगी तो उस स्तर पर सुधार होगा, और ओवरऑल पोषण स्तर में सुधार होगा। यह है इसके पक्ष में बात। अब जरा एक देखते हैं कि विरोध करने वालों का क्या कहना है, उस पर जरा गौर करो। विरोध करने वाले ये कह रहे हैं
कि अभी तक जितने भी कानून बने हैं, बाल विवाह निरोधक कानून, मतलब चाइल्ड मैरिज को समाप्त करने के लिए जितने भी कानून आए हैं, अगर उसके इफेक्ट की हम बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो वो सेटिस्फेक्ट्री नहीं है। कैसे? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया ना भी है कि 2015-16 में जितने विवाह हुए उसमें से 27% जो विवाह है वो विवाह कौन से, चाइल्ड मैरिज थे। 2019-20 में ये घटकर कितना हुआ, 23%। मतलब कितने, मतलब अगर मैं बात करूं 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, मतलब इन सालों में मात्र कितने घटे हैं, 4% की गिरावट है। एक तो ये, दूसरा सुनना ध्यान से, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष की गई, कब, 1978 में। और अगले दो दशकों में, मतलब अगर अगले एक दशक की हम बात करें, मतलब 1990 तक, तो बाल विवाह के जो प्रतिशत है उसमें कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई। और बाल विवाह के मामलों में गिरावट आई थी कब, 1990 के दशक में, वो भी तब जबकि सरकार ने कार्यक्रम चलाए थे मुख्य रूप से लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कराने पे, कि आइए प्राथमिक शिक्षा दीजिए। दूसरा, गरीबी स्तर में कमी करने पर। गरीबी स्तर में कम करने का मतलब है कि गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा जो भी रोजगार संबंधी कार्यक्रम चलाए गए, उससे यहाँ पर यह फायदा हुआ कि लोगों की आय बढ़ी। और लोगों की जब आय बढ़ती है तो ऑब्वियस उसकी बचत बढ़ेगी, और जब बचत बढ़ेगी तो निवेश का तरीका बदलता है। और निवेश का तरीका मतलब यह है कि सामान्य खान पान से फिर वो जो शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, इस पर वो खर्च करते हैं। ठीक है, तो लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा, इसमें तेजी आई थी यहां पर देखा। फिर नेक्स्ट सुनना ध्यान से, कि अगर आप एक कानून बनाते हो, ठीक है, और उस कानून में अगर आप ये बात कहते हो कि 21 वर्ष से अगर कम उम्र में शादी होती है तो वो अगर अवैध होता है, तो फिर बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में होने वाली जो शादियां हैं वो अवैध हो जाएंगी। ठीक है, क्यों, देखो 23% जो विवाह होते हैं, 23% विवाह, उसमें लड़कियों की जो उम्र 18 वर्ष से कम होती है, ध्यान देना इसमें। 23% जो हमारे यहाँ मैरिज होते हैं उसमें लड़कियों की जो उम्र होती है वो 18 वर्ष से कम होते हैं, और अगर मिनिमम 21 वर्ष कर दोगे तब तो ये प्रतिशत तो और बढ़ जाएगा ना। तब तो चाइल्ड मैरिज वाला, ये तो 23% यहाँ पर दिख रहा है आपको, अगर 21 वर्ष न्यूनतम करें तो फिर क्या स्थिति होगी, ये 23% बढ़ जाएगा। फिर और एक देखें कि 20 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में अगर हम देखें कि फर्स्ट मैरिज, प्रथम विवाह की अगर बात करें, तो औसत उम्र कितनी है, 2005-06 में थी 17.2 साल, और 2015-16 में ये बढ़कर कितनी थी, 19 साल। ठीक है, इस आयु वर्ग की महिलाओं की जो प्रथम विवाह की बात करूं तो वो औसत की बात हो रही है कि कितने उम्र में हुई थी, तो यहां पर देखो आप 17 साल, 17.5 साल मानते हैं, और यहां पर 19 साल। 19 साल होने के बावजूद भी ये 21 वर्ष से क्या है, नीचे है। इसका मतलब ये है कि अगर नया कानून आप लाते हैं, उस नए कानून से ये होगा कि हमारे देश में अवैध विवाह की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर यहां पर तो एक स्थिति और भी तो होगी ना, फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कहते हैं ना कि मैरिज रजिस्टर्ड कीजिए, तो रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे वहां पर पता चला लड़की की उम्र कितनी, 19 साल की, तो हो गया वो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। इसका मतलब वो मैरिज क्या हो गया, वो इलीगल हो गया। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पे पड़ेगा, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एससीज और एसटीज, इन दो वंचित समूहों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कम उम्र के विवाह के जितने मामले हैं देश में, उसमें 70% जो मामले होते हैं वो मामले इन्हीं से संबंधित होते हैं, एससीज और एसटीज से संबंधित होते हैं। ठीक है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात कर रहा हूं, उसके आंकड़े हैं कि 25 से 49 आयु वर्ग की महिला के अगर प्रथम विवाह की बात करें औसत, तो जरा देखो एससी में कितना है, 18.1, एसटी में 18.4, ओबीसी में 18.5, और अदर्स में 19.5 ईयर्स। मतलब ओवरऑल पूरे अगर सारे ग्रुप की मैं बात करूं, सब में 21 साल से कम है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होंगे तो वो कौन हो जाएंगे, एससीज और एसटीज। तो इसका मतलब यहां पर होगा जो विवाह जो होंगे, ध्यान देना, जो विवाह होगा उस विवाह में, अब इसका परिणाम देखो आगे तक क्या होगा, विवाह किया, मैरिज रजिस्टर्ड नहीं होगा, इसका मतलब है कि लोग विवाह को छुपाएंगे। ठीक है, सरकार ने कार्यक्रम चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जो बेटी है उसके माँ बाप होंगे होंगे ना। अब मान लो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह जितने भी चले, उसमें माता पिता के अगर डिटेल देने हो, और डिटेल में ये पता चले कि माँ की उम्र कम है, 21 साल से कम है, उसमें शादी हुई है, तो फिर वहां पर ये होगा कि इस तरह की जो स्कीम है, जो योजना है, उसके भी सुचारू संचालन में दिक्कत आ सकती है, कानूनी अड़चने आ सकती है। ठीक है, ठीक, आगे देखना, पहले हमने यहां पर क्या देखा, देखते जाओ समस्या में क्या क्या चीजें हमने देखी है। एक तो हमने यहां पर ये देखा कि आपने अभी तक जितने भी कानून लाए हैं, उन कानूनों पर अगर हम गौर करें तो उनके परिणाम सकारात्मक नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, हमने क्या देखा कि अगर 21 वर्ष किया जाता है तो बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के जो विवाह होते हैं वो अवैध हो जाएंगे लड़कियों के पक्ष को लेकर। ठीक है, तीसरी चीज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे, जो वंचित समूह है, एससीज और एसटीज वाले। ठीक है, क्योंकि यहां पर जितने कम उम्र के विवाह, 70% इसी भाग से होते हैं। और फिर एक चीज है, उसमें भी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं, उनको अगर हम देखें वो ज्यादा प्रभावित हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि फिर ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
25 से 49 आयु वर्ग है ना, प्रथम विवाह के औसत की बात करें तो ग्रामीण में कितना 18.1 ईयर और शहर में कितना 19.8 ईयर, मतलब 18 साल 1 महीना और 19 साल 8 महीने, ये है इनका औसत। तो प्रभावित कौन होंगे इसमें, ग्रामीण क्षेत्र। तो कुल मिला के ध्यान दो कि क्या करे सरकार, क्योंकि दोनों चीजें अनिवार्य, ध्यान देना, अनिवार्यता इस बात की भी है कि सही रूप में वेमेन या महिलाएं सशक्त हों, इंपावर्ड हों, एक ये भी जरूरी है, शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले, ठीक है, मातृ शिशु दर में गिरावट हो, शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट हो, बच्चा जो हो वो पोषण, मतलब सही उसका पोषण स्तर रहे। दूसरे तरफ कि अगर सरकार ये करने के लिए अगर कानून का सहारा लेती है तो फिर उसके दूसरे इफेक्ट भी हमें दिखते हैं, तो सरकार इसमें क्या करे, ये चीज आती है। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.